Assalamu alaikum students, today we are going to study computer of class 3, so let's start. So here it is, its contents list, unit number 2, customizing the desktop and the cursor on page number 10, so let's read it. Unit number 2, customizing the desktop and the cursor. Number 1, customizing the desktop. Number 1, changing the theme of the desktop. Ab hum apne computer ka theme kaise change kare? The desktop theme is the overall view of the desktop. A theme determines the look of various graphics elements of your desktop. These elements include the icons, fonts, colors and the background and the screensaver pictures. अब जो डेस्कटॉप थीम होता है वो हमारे पूरे डेस्कटॉप का व्यू होता है कि वो है कैसा, उसकी ग्राफिक्स कैसी हैं और उसके आइकॉन्स, फॉन्ट, कलर्स और स्क्रीन सेवर, बैकग्राउंड वगैरह सब हमारे थीम में आ जाता है. इन ऑर्डर टू चेंज द डेस्कटॉप थीम डू द फॉलोइंग. अब हमें जो है अपना डेस्कटॉप का थीम चेंज करना है तो ये सारे नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हें हमें फॉलो करना होगा. नंबर 1, क्लिक राइट एट एन एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप अ मेन्यू अपीयर्स. हम राइट क्लिक करेंगे किसी भी खाली एरिया पर तो एक मेन्यू आ जाएगा. नंबर 2, क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज. अब हम जो है प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आ जाएंगी. नंबर 3, क्लिक थीम्स टैब. फिर यहाँ पर हमारे टैब्स होंगे, हमें उन्हें थीम्स टैब पर क्लिक करना होगा. नंबर 4, ओपन द मेन्यू इन द थीम एरिया बाय क्लिकिंग द मेन्यू बटन. फिर जो हमारे थीम के करेंगे तो उसमें हमारा मेन्यू आ जाएगा, हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा. नंबर 5, क्लिक द थीम यू वॉन्ट टू अप्लाई, यू कैन प्रीव्यू द रिजल्ट इन द सैम्पल एरिया इन द डायलॉग बॉक्स. अब यहाँ पर हमारी थीम्स आ जाएंगी, हमें जो चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें उसका प्रीव्यू मिलेगा. नंबर 6, अप्लाई, क्लिक द अप्लाई बटन, द थीम्स गेट अप्लाइड. फिर यहाँ पर जो है अप्लाई का बटन आएगा, हम उसे क्लिक करेंगे तो अब थीम अप्लाई हो जाएगी. नंबर 7, क्लिक ओके, द डायलॉग बॉक्स क्लोजेस. फिर यहाँ पर ओके लिखा हुआ है, फिर हम ओके को करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. 1.2, चूजिंग अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज द इमेज डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप. इन ऑर्डर टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड डू द फॉलोइंग. अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड वो होता है जो हमें डेस्कटॉप के पीछे दिखाई देता है, हमें वो चेंज करने के लिए नीचे के हमें स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं. नंबर 1, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप अ मेन्यू अपीयर्स. हम जब डेस्कटॉप के किसी भी खाली एरिया पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा हमारा मेन्यू आ जाएगा. नंबर 2, क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन. हम जब प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो ऐसा हमारा बॉक्स अपीयर होगा. नंबर 3, क्लिक द डेस्कटॉप टैब. फिर यहाँ पर जो है डेस्कटॉप टैब आ जाएगा, उसे हम क्लिक करेंगे. नंबर 4, क्लिक अ बैकग्राउंड फ्रॉम द बैकग्राउंड मेन्यू, यूज द स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल बार टू व्यू मोर अवेलेबल बैकग्राउंड्स. फिर जो है हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, हम कोई भी इसको सिलेक्ट करके प्रीव्यू देख सकते हैं इसका. नंबर 5, सेलेक्ट एनी ऑफ फॉलोइंग पोजीशंस फॉर द बैकग्राउंड फ्रॉम द पोजीशन मेन्यू. फिर यहाँ पर एक पोजीशन मेन्यू आता है जिससे हम उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कैसा होगा. सेंटर, एडजस्ट द बैकग्राउंड इमेज इन द सेंटर ऑफ द डेस्कटॉप. हम जब सेंटर करेंगे तो वो बीच में आ जाएगा. टाइल, एडजस्ट द बैकग्राउंड इमेजेस एज एडजस्टेंट टाइल्स ऑन द डेस्कटॉप. फिर जब हम टाइल को करेंगे तो वो एक छोटा सा टाइल के शेप में आ जाएगा. स्ट्रेच, स्प्रेड द बैकग्राउंड इमेज ऑन द होल डेस्कटॉप एरिया. स्ट्रेच में हमारे पूरे डेस्कटॉप पर वो फैल जाएगी. नंबर 6, सेलेक्ट अ कवर आफ्टर क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरिया एरो अंडर कलर. इट फिल्स द एम्प्टी एरिया इफ अवेलेबल अराउंड द बैकग्राउंड इमेज. फिर अगर हमारे बैकग्राउंड इमेज के इर्द गिर्द कोई भी हमारी खाली स्पेस है तो वो यहाँ पर हम उसके कलर फिल कर सकते हैं. क्लिक द अप्लाई बटन, द बैकग्राउंड गेट्स अप्लाइड. फिर हम अप्लाई को करेंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा. क्लिक ओके, द डायलॉग बॉक्स क्लोजेज. फिर हम ओके करेंगे, हमारा डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. 1.3, सेटिंग अ पिक्चर इन योर कंप्यूटर एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. हम अब किसी भी पिक्चर को अपने बैकग्राउंड पर कैसे रखें. नंबर 1, गो टू द लोकेशन वेयर पिक्चर इज स्टोर्ड. हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी जो हमें पिक्चर रखनी है वो रखी होगी. नंबर 2, क्लिक डबल
द पिक्चर टू व्यू इट, हम उस पिक्चर को डबल क्लिक करेंगे तो हमें वो नज़र आएगी। नंबर थ्री, राइट क्लिक ऑन द पिक्चर व्यू अ मेन्यू अपीयर्स, हम जब उस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा एक मेन्यू आ जाएगा। नंबर फोर, क्लिक सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, द पिक्चर गेट्स अप्लाइड एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हम फिर उसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हम जब उसे करेंगे तो वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आ जाएगी। 1.4, चेंजिंग द स्क्रीन रेजोल्यूशन, हम स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज कर कैसे करें। स्क्रीन रेजोल्यूशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अपीयर ऑन योर स्क्रीन, लोअर रेजोल्यूशन मेक्स आइटम ऑन द स्क्रीन अपीयर लार्जर, हायर रेजोल्यूशन मेक्स आइटम ऑन द स्क्रीन अपीयर स्मॉलर, यूज द रेजोल्यूशन दैट यू लाइक बेस्ट। अब स्क्रीन रेजोल्यूशन वो होती है जिस तरह के हमें स्क्रीन पर जो चीज़ें हैं वो दिखाई दें, जब हम कम जो है रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो हमें चीज़ें जो हैं बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, और जैसे हम हायर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे हमें चीज़ें नॉर्मल नज़र आएंगी। नंबर वन, राइट क्लिक एट एन एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप अ मेन्यू अपीयर्स, हम जब राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा मेन्यू आ जाएगा। नंबर टू, क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग ओपन, जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हमारे नज़र आ जाएंगी। नंबर थ्री, क्लिक द सेटिंग टैब, यहाँ पर टैब्स हैं इनमें से हम सेटिंग टैब को सिलेक्ट करेंगे। नंबर फोर, ड्रैग द स्लाइडर अंडर स्क्रीन रेजोल्यूशन टू चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन, यू कैन प्रीव्यू द रिजल्ट इन डायलॉग बॉक्स, अब जो है हमारे यहाँ पर है स्क्रीन रेजोल्यूशन, हम जितना इसको एडजस्ट जैसे हमें चाहिए वैसे करेंगे और यहाँ पर हमें वो नज़र आएंगी। नंबर सिक्स, क्लिक येस बटन ऑन द मोनीटर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स, द चेंज इन स्क्रीन रेजोल्यूशन गेट अप्लाई, फिर हम जैसे ही इसको येस करेंगे हमारा वैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर सेवन, क्लिक ओके द डायलॉग बॉक्स क्लोजेस, हम जैसे ही ओके को क्लिक करेंगे हमारा डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। 1.5, चेंजिंग द साइज ऑफ विंडोज टेक्स्ट फॉन्ट्स, नंबर वन, राइट क्लिक एट द एन एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप अ मेन्यू अपीयर्स, अब हम जो है विंडो पर जो हमारे टेक्स्ट होते हैं लिखा हुआ उसकी फॉन्ट उसके डिज़ाइन कैसे चेंज करें। पहले हम किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू आएगा। नंबर टू, क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन, अब जैसे ही हम उसको प्रॉपर्टीज करेंगे ये हमारा आ जाएगा बॉक्स। नंबर थ्री, क्लिक द अपीयरेंस टैब, हम अपीयरेंस टैब को क्लिक करेंगे। नंबर फोर, क्लिक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो नियर द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स, डिफरेंट फॉन्ट साइज अपीयर्स, जैसे ही हम फॉन्ट साइज को करेंगे क्लिक हाँ ये सारे नीचे जो हैं आ जाएंगे उसकी साइजेस। क्लिक अ फॉन्ट साइज ऑफ योर चॉइस, हम उस किसी भी अपनी मर्जी की फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। नंबर सिक्स, क्लिक द अप्लाई बटन दिस फॉन्ट साइज गेट अप्लाई, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे हमारी सारी जो है जगह पर अप्लाई हो जाएगी। क्लिक ओके द डायलॉग्स बॉक्स क्लोजेस, जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे सब बंद हो जाएगा। नंबर 1.6, अप्लाई अ स्क्रीन सेवर, हम अब स्क्रीन सेवर कैसे अप्लाई करें। व्हेन यू हैव नॉट यूज द माउस और कीबोर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, अ मूविंग पिक्चर और पैटर्न अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, इट इज़ कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर, जब हम माउस या कीबोर्ड लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे स्क्रीन पर जो है कुछ मूविंग पैटर्न या पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं जिसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। अब हाउ टू अप्लाई स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर अप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे स्टेप्स हैं हम बताएंगे कि कैसे करते हैं। नंबर वन, राइट क्लिक एट एन एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप अ मेन्यू अपीयर्स, जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू आ जाएगा। नंबर टू, क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन, जैसे ही हम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नंबर थ्री, क्लिक द स्क्रीन सेवर टैब, हम स्क्रीन सेवर टैब को क्लिक करेंगे। नंबर फोर, क्लिक द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन एरो अ लिस्ट ऑफ स्क्रीन सेवर ओपन, हम जैसे ही इसको हम नीचे करेंगे तो हमारी एक लिस्ट आ जाएगी। नंबर फाइव, क्लिक द वन यू वांट टू यूज़, अब किसी भी एक को यूज़ करने के लिए क्लिक करें। नंबर सिक्स, फ्रॉम द वेट एरिया एडजस्ट टाइम्स इन मिनट्स व्हेन यू रिमेन आइडल फॉर द सेट टाइम द स्क्रीन सेवर विल अपीयर, अब यहाँ पर जो है हम फिर अपना टाइम सेट करेंगे कि हम कितने टाइम के लिए अगर ना यूज़ करें तो हमारा स्क्रीन सेवर आ जाए।
नंबर 7, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रीव्यू द रिजल्ट चेक द प्रीव्यू बटन। अगर हमें मतलब प्रीव्यू के देखने हैं तो हम ये प्रीव्यू बटन को सिलेक्ट करेंगे। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। 8, क्लिक अगेन और प्रेस एनी की टू रिटर्न द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स। अब हम ओके को क्लिक करेंगे या दोबारा उससे करेंगे कि वो हमारे सेटिंग में आ जाए। नंबर 9, क्लिक द सेटिंग बटन इफ़ यू वॉन्ट टू मेक फर्दर सेटिंग्स विद द स्क्रीन सेवर। अब हम ये जो सेटिंग का है इसे क्लिक करेंगे तो हमारी सेटिंग्स आ जाएंगी हमें जो बनानी है। नंबर 10, क्लिक ओके और कैंसिल टू अप्लाई और डिस्कार्ड दी सेटिंग। अगर हम अप्लाई या कैंसिल को करेंगे अगर हमें कुछ चेंज करना हो या ओके करना हो। नंबर 11, क्लिक द अप्लाई बटन द स्क्रीन सेवर गेट्स अप्लाइड विद योर सेटिंग्स। हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई को क्लिक करेंगे तो हमारा सब अप्लाई हो जाएगा। क्लिक ओके द डायलॉग बॉक्स क्लोजेस। हम ओके करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। 1.7, व्यूइंग मोर और लेस आइकन ऑन द डेस्कटॉप। अब हम जो है अपने डेस्कटॉप पर कितने आइकन हमें नज़र आ रहे हैं वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू व्यू मोर और लेस आइकन ऑन द डेस्कटॉप डू द फॉलोइंग। अब हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर स्टेप्स मेंशन है। नंबर 1, क्लिक राइट एट एन एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। अब मेन्यू अपीयर्स। डेस्कटॉप की किसी भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे एक डेस्कटॉप की मेन्यू ओपन हो जाएगी। नंबर 2, क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन्स। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नंबर 3, क्लिक द डेस्कटॉप टैब। हम इसमें डेस्कटॉप टैब को क्लिक करेंगे। नंबर 4, क्लिक कस्टमाइज डेस्कटॉप बटन्स। Another dialog box opens. This dialog box has a desktop icon area. The icons name are visible on the desktop have a check mark in front of them. The icons which are not visible on the desktop do not have this check mark. The check marks appear or disappears by clicking the checkbox. अब जैसे ही हम इसको कस्टमाइज डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे एक दूसरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें डेस्कटॉप आइकन्स होंगे, उनकी लिस्ट होगी। जिधर जिधर हमारा चेक मार्क लगा हुआ होगा वो हमारे डेस्कटॉप पर जाहिर होंगे और जिन पर नहीं लगा हुआ वो हमारे नहीं होंगे। फिर उस मार्क को सही करने या गायब करने से हमारे जो हैं वो आइकन्स आएंगे या जाएंगे। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। नंबर 5, क्लियर द चेक मार्क ऑन आइकॉन नेम यू डोंट वॉन्ट टू व्यू ऑन द डेस्कटॉप। हम किसी भी आइकॉन जो हमें नहीं देखना उसे अनचेक कर सकते हैं। मेक अपीयर द चेक मार्क इफ़ यू वांट द मेक आइकॉन विजिबल ऑन द डेस्कटॉप। अब अगर किसी पर मार्क नहीं है उसे मार्क करके हम उसे डेस्कटॉप पर शो कर सकते हैं। क्लिक ओके आफ्टर मेकिंग द सेटिंग्स। ओके करेंगे तो हमारी सेटिंग्स सही हो जाएंगी। क्लिक अप्लाई द चेंजेस गेट अप्लाइड। हम जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारी सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। क्लिक ओके द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स क्लोजेस। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे सारा डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। नंबर 1.8, टर्निंग ऑफ द डेस्कटॉप आइकन्स। फॉलोइंग दीज स्टेप्स टू टर्न ऑफ द डेस्कटॉप आइकन्स। हम किसी भी डेस्कटॉप आइकॉन को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, राइट क्लिक द डेस्कटॉप एट एन एम्प्टी एरिया। हम किसी भी खाली जगह पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। नंबर 2, पॉइंट टू अरेंज आइकॉन्स बाय। हाँ, वो अरेंज आइकॉन्स बाय आएगा उसे हम क्लिक करेंगे। नंबर 3, क्लिक अलाइन टू ग्रिड द डेस्कटॉप आइकॉन्स आर टर्नड ऑफ। जैसे ही हम उसे करेंगे अलाइन टू ग्रिड हमारे डेस्कटॉप जो है आइकॉन्स टर्न ऑफ हो जाएंगे। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। नंबर 2, कस्टमाइजिंग द कर्सर टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर। अब जो है हमारे कर्सर की जो कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसका व्यू जो है कैसे कर सकते हैं। टू चेंज द नंबर 1, क्लिक द स्टार्ट बटन। पहले हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। नंबर 2, क्लिक द कंट्रोल पैनल। हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। नंबर 4, क्लिक स्विच टू क्लासिक व्यू ऑन द लेफ्ट पैनल। व्हेन क्लासिक व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल इज एक्टिव स्विच टू कैटेगरी व्यू कमांड्स गेट विजिबल। जैसे ही हम क्लासिक व्यू पर जाएंगे वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर लेफ्ट साइड में हमारा क्लासिक व्यू आएगा। जैसे ही हम उसको एक्टिव करेंगे हमारा स्विच टू कैटेगरी व्यू जो है वो नज़र आ जाएगा हमें। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। 5, डबल क्लिक माउस इन द कंट्रोल पैनल द माउस प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन।
अब वहाँ पर एक माउस आएगा, वहाँ पर हम उसे जब डबल क्लिक करेंगे तो माउस की प्रॉपर्टीज ऑन हो जाएंगी, जैसे कि ये नंबर 6 क्लिक द पॉइंटर्स टेप, हम इसे पॉइंटर्स की टेप को क्लिक करेंगे। 7 डू वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग पे एक या दो हम कर सकते हैं। टू चेंज ऑल ऑफ योर पॉइंटर्स एट वन टाइम सेलेक्ट अ न्यू स्कीम अंडर स्कीम, हम अगर सबको चेक करने के लिए अंडर स्कीम को कर देंगे। नंबर बी टू चेंज वन पॉइंटर सेलेक्ट इट द कस्टमाइज लिस्ट, अगर एक पॉइंटर को हमें चेंज करना है तो हम कस्टमाइज लिस्ट को ऑन करेंगे। नंबर वन क्लिक ब्राउज, हम ब्राउज को क्लिक करेंगे जो नज़र आएगा। नंबर टू डबल क्लिक द न्यू पॉइंटर यू वांट टू यूज़ फॉर द टास्क, द पॉइंटर गेट्स चेंज्ड, हम पे पॉइंटर्स आएंगे, वहाँ पर उनमें से सिलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए होगा। नंबर थ्री 8 क्लिक अप्लाई द चेंजेस गेट अप्लाइड, हम जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारी चेंजेस हो जाएंगी। नंबर 9 क्लिक ओके द माउस प्रॉपर्टीज विंडो क्लोजेस, हम जैसे ही हम ओके करेंगे हमारी जो है माउस की प्रॉपर्टीज बंद हो जाएंगी। दैट्स ऑल अबाउट इट्स रीडिंग, लेट्स सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस। सो हियर इट इज अवर एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1 What is desktop theme? Answer यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। Number 2 How is the display properties dialog box open? Answer हम पूरा लिखेंगे। Number 3 Which tab on the display properties dialog box is used to change the size of the windows text font? Answer यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। Question number 4 Define a screensaver, हम answer यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। Yes, a cut। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ टू ओपन डेस्कटॉप आइटम्स डायलॉग बॉक्स, आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे, नो कटिंग्स। बी फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स, नंबर 1 डैश पोजीशन एडजस्ट द बैकग्राउंड इमेज इन द सेंटर ऑफ द डेस्कटॉप सेंटर, नंबर 2 हाई रेजोल्यूशन मेक्स आइटम ऑन द स्क्रीन अपीयर्स डैश स्मॉलर, नंबर 3 डबल क्लिक माउस इन कंट्रोल पैनल द डैश प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन माउस, नंबर 4 क्लिक ओके डैश सेटिंग्स और कैंसिल टू डैश दी सेटिंग्स, पहली में अप्लाई दूसरी में डिस्कार्ड, नंबर 5 स्क्रीन रेजोल्यूशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डैश दैट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन इंफॉर्मेशन, C write T for true and F for the false statement. Number 1 when classic view of control panel is active switch to category view commands get invisible false, number 2 check the theme you want to apply you can preview the result in the preview area in the dialog box true, number 3 stretch position spreads the background image on the whole desktop area true, number 4 click the screensaver drop down arrow a list of wallpapers appears true, 5 click cancel the changes get applied false. That's all about its reading and exercises. We will see you soon in our next video. Thank you.